तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बाबा भूतनाथ मंदिर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है और आप देख रहे हैं दिलीप दीप ब्लॉग्स। और आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे बाबा भूतनाथ मंदिर, जो कि अहरोरी ब्लॉक में पड़ता है, हरदोई से 20 किलोमीटर की दूरी पर। और आज हम आप लोगों को यही मंदिर दिखाएंगे और यहाँ एक तालाब भी है, वही आपको दिखाएंगे अभी। रुकिए दोस्तों। दोस्तों, यह मंदिर जो है एक मशहूर मंदिर है और ये हरदोई ज़िले में ही पड़ता है, अहरोरी ब्लॉक में। और इसका भी उस तरीके से ये बाबा भूतनाथ का मंदिर है। और अभी आपको तालाब भी दिखाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हुई हैं, और वो मछलियाँ जो हैं एक उनका भी कोई स्थायी दायित्व है, वो भी आप लोगों को बताएँगे। और अभी बाबा से कुछ पूछते हैं, यहाँ जो बाबा रहते हैं, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इधर ये देखिए, अभी कोई बाबा का रहने का शायद स्थान है, ये देखिए, अभी दिखाते हैं आप लोगों को ये। और बाकी इसका व्यू इस तरीके से है, ये बाबा की झोपड़ी, यहाँ बाबा रहते हैं पहले जो रहते थे अभी। दोस्तों, यहाँ पर होता है हवन, यहाँ पे बाबा लोग या कोई अन्य भी हवन करवाते हैं, वो यहाँ पे हवन होता है, हवन का स्थान है। और अब आप लोगों को दिखाते हैं तालाब, दिखाते हैं पहले तो बाबा से कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये बाबा का मेन स्थान है और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये इधर इतने सारी घंटियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए आप लोग पूरा भी, ये बाबा का पूरा जो है चारों तरफ का। पाँच सौ वर्ष। अच्छा, और यहाँ के मतलब मेला कब कब लगता है, किन दिनों में? यहाँ शुरू सावन में लगता है मेला, आषाढ़ की पूर्णमासी से सावन में लगता है मेला। कितने दिनों तक लगता है मेला? चार पाँच छः दिन। पाँच छः दिन तक। और इसका दूसरा कहीं स्थान है? दूसरा वहाँ बामूला का स्थान है, उनका स्थान देखा। अच्छा अच्छा, तो बाबा यहाँ जिनके नाम पे स्थान है उनका क्या नाम था? बाबा मंगलगिरी। बाबा मंगलगिरी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर। दोस्तों, ये कुआं है मंगल बाबा यहाँ तो बना हुआ, यहाँ पे जो गंगा जी गंगा माता थी वहाँ पे खुद आती थी। और इस कुआं को आप देख सकते हैं, इस तरीके का है, मंगल बाबा नाम था जो 500 मतलब कई वर्षों पहले यहाँ पे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था और यहीं पर अपना रहते थे। और गंगा माता यहाँ पे आती थी, मंगल बाबा के द्वारा ये बनाया गया। और ये देख सकते हैं इस तरीके से कुआं, देखो ये दरबार माता सचंडी का है, जय विश्वकर्मा सचंडी माता है। और ये भी यहीं पढ़ते हैं और आप लोग इसे देख सकते हैं, ये है माता जी का स्थान, देखिए तो माता जी का। चलिए, और दोस्तों देख सकते हैं ये भी कुछ स्थान है, और इसके बाद ये एक स्थान है। अब आप लोगों को लेकर चल रहे हैं मेन स्थान पर, और वहाँ के भी कुछ दर्शन दिखाते हैं, और आप भी लोगों भी दर्शन आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं तालाब जहाँ पे मछलियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ के लोग उन मछलियों को चढ़ाते भी हैं, खाना भी देते हैं, और कोई उन्हें पकड़ नहीं कर सकता है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों सीन को दिखाते कुछ सीन दिखाते हैं।
दोस्तों व्यू देखिए, अब आप आ चुके हैं तालाब पे। ये देखो बाबा जी हैं और व्यूज देखिए, व्यू यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है, देखने लायक है। दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं, यह है तालाब, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये सामने एक स्थान बना हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं महावीर बाबा बजरंगबली जी की फोटो है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पे श्री चंद्रभाग बाबा का स्थान है, चंद्रभाग बाबा का स्थान है। ये देखिए इस तरीके से, चंद्रभाग बाबा का स्थान का देखो भी इस तरीके से, धूप है इसीलिए अभी अच्छी फोटो नहीं आ रही है। और ये सामने रहा है तालाब, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो कि अभी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए व्यू दोस्तों, मछलियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही, उधर देखते हैं अभी, डूब में आओ, इधर उधर ही चलते हैं आप, यहाँ पे देखो डालकर। देखिए दोस्तों ये कुछ पूरा प्राचीन कुछ बना है, लेकिन इसके बारे में लेकिन है। और यहाँ पर बाबा मंगलगिरी और बाबा कुबेरनाथ और बाबा का स्थान है, और जो काफ़ी प्राचीन पहले मतलब प्राचीन स्थान है, और बहुत पहले यहाँ पे बाबा रहते थे, और तब उनके कुछ शिष्य भी रहे, शिष्य का मतलब उनके शिष्य, उनके शिष्य रह रहे हैं, काफ़ी पुरानी बात है। और ये जो स्थान है बाबा कुबेर ने बनवाया था, और वहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया वो बाबा मंगलगिरी का स्थान है। फिलहाल यही दो बाबा यहाँ पे रहा करते थे। अब ये यहाँ किसी को भी नहीं पता कि मंगल बाबा के शिष्य थे कुबेरनाथ या कुबेर बाबा के शिष्य थे मंगलनाथ। और ये देखिए आप लोग कुछ भी इस तरीके से,
तो दोस्तों आप लोग सभी लोग देख चुके होंगे मछलियाँ, और अभी ये लोग देखो अभी कुछ लोगों से मछलियों को खाना खिला रहे हैं, दे रहे हैं बिस्कुट वगैरह खिला रहे हैं, और ये लोग बैठे मछलियों को देख रहे हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं आप लोगों को हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी कुछ शूट करने में अभी भी कोई दिक्कत थोड़ी बहुत पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को तो दोस्तों आप लोगों को अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, अभी तो कुछ अच्छा नहीं आप लोगों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाएंगे। बोलने के लिए भी दिक्कत हो रही है और वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों में आप लोगों को अच्छे से वीडियो दिखाएंगे। और ये कुछ इधर भी एक स्थान है, ये बाबा मंगलगिरी का स्थान है, और